देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज में आपके साथ शिखा सैनी। एक नज़र अब तक की खास खबर पर। सक्षम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही एक टीवी न्यूज चैनल के जिला प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी की पत्नी नीना चौधरी को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला इकाई द्वारा संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के नेतृत्व में जिला के व्योवर्ध पत्रकार चिरंजी लाल पंत ने सक्षम हॉस्पिटल पहुंचकर जिले के पत्रकारों की ओर से 51,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी। जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऐसे पत्रकारों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मदद एक मुहिम के नाम से कार्यक्रम चल रहा है। आज की यह सहयोग राशि भी उसी का हिस्सा है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी पत्रकार तरुण पराशर के इलाज के लिए एसोसिएशन की ओर से 1,84,000 की सहयोग राशि उनके परिजनों को सौंपी थी। आज तरुण पराशर अपने परिवार के बीच है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की अच्छी पहली पहल बताते हुए नीना चौधरी ने नम आंखों से शुक्रिया अदा किया। सक्षम हॉस्पिटल में अपने पत्रकार साथी को सहायता राशि देने पहुंचे पत्रकारों में संगठन के जिला प्रवक्ता मनोज कश्यप, राजकुमार शर्मा, तहसील नकुड़ अध्यक्ष भगवत मेहरा, ईसम सिंह, माजिद कुरैसी, शक्ति चौधरी, सुरेश कुमार, धर्मेंद्र, अनमोल, गौरव सैनी, सुनील कपिल, विनोद कश्यप, पारस कुमार सिंह कुमार, हसीन सोनी, डॉक्टर विमल शर्मा, अभय चौधरी मौजूद रहे। बेनी प्रसाद के साथ शक्ति चौधरी की रिपोर्ट। इस मुसीबत में मतलब पत्रकार सभी लोग साथ हैं, मैं उनका सबसे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरा इतना बुरा समय था, ये लोग मेरे साथ में खड़े हैं। मुझे तो बहुत खुशी है, मेरा हस्बैंड की बहुत हालत सही थी, इन्होंने आगे मुझे संभाला, सहारा दिया और हेल्प की जाती और आगे के लिए भी मदद करने के लिए तैयार है, तो दिल से धन्यवाद देना चाहिए। मेरे हस्बैंड को लीवर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भी फोन किया था और यहाँ पर अभी सक्षम है और उनको सीरियस बोला गया है, यहाँ से रेफर कर दिया है। हमारे पत्रकार साथी समाचार प्लस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जिला प्रभारी हैं धर्मेंद्र चौधरी जी, उनको लीवर में बड़ा ज़बरदस्त संक्रमण हो गया था जिसके चलते उनको लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। उनको उनके परिजनों ने सक्षम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और बाद में जब पत्रकारों को हमारे संगठन को ये पता चला कि आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनका इलाज हो सके बिना पैसे के, तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने नकुड़, गंगोर, ननौता, रामपुर, मनियारान और तमाम जितने भी हमारे ब्लॉक तहसील हैं वहाँ पर हमने एक बॉल डाली। वहाँ से हमारे पास कुछ सहयोग राशि इकट्ठा हुई है, हमने 51,000 रुपये की सहयोग राशि उनको दी है। 11,000 रुपये हमने रूप में दिए थे, 40,000 रुपये हमने आज उनको सहयोग राशि के रूप में दिए। इस तरीके से 51,000 रुपये हमने दिए हैं। ये 51,000 रुपये की सहयोग राशि को पैसों में नहीं तोला जा सकता है, ये 51 रुपये की सहयोग राशि के रूप में जो हमारे पत्रकार साथियों ने दुआओं के रूप में अपने सहयोग दिया है, तो निश्चित तौर पर हमें पूरा आशा, ईश्वर पे हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पत्रकार साथी शीघ्र और शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः पत्रकार जीवन में हमारे साथ समाज को आईना दिखाने का काम करेंगे। देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।